तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग, और हमारे वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग का ये सेकंड क्लास है जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारा वर्क करता है वीवीए, किस तरीके से हमारा रिकॉर्डिंग मैक्रो का फीचर्स है, किस तरह से रिकॉर्डिंग मैक्रो को एडिट कर सकते हैं, इनके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए। ठीक है सर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में आगे। एल्गोरिथम के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एंड एल्गोरिथम। मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है बनाना, आपको अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है बनाना तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या आपको कोई मैक्रो बनाना है तो क्या करेंगे पहले, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब हुआ कि आप पहले देखेंगे कि भाई ये काम होगा वीवीएम या नहीं होगा, होगा तो आसान तरीका क्या है, अगर डेटा चेंज होता है तो क्या चीजें हो सकती है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, मतलब कि एक प्रिपरेशन एनालिसिस कर लीजिए। फिर होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि मान लीजिए ना आपने भी तैयार कर लिया, फिर उसका स्टेप लिखना पड़ेगा ना। जी सर। अब स्टेप लिखना मतलब क्या, स्टेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपको कॉपी सॉरी सर एक कॉपी पेस्ट करना है, जी कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट का एल्गोरिथम क्या होता है कि पहले सिलेक्ट द डेटा, डेटा सेलेक्ट द पेस्ट लोकेशन। हाँ जी, चार स्टेप हुआ ना। जी सर। तो इसको आपको लिखना होगा, क्यों, क्योंकि वीवीए लाइन बाय लाइन पर लाइन लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। ठीक है, एक स्टेप के लिए एक एक्शन के लिए बस एक ही प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, समझ गए, एक को एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम तैयार करना होगा। आप बोलेंगे सर ये तो मुझे याद रहेगा, मैं एल्गोरिथम बनाने की क्या जरूरत है, आपको आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, आप जो प्रोग्राम यूज करते हो वो आपको याद है। ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम जो किसी और के लिए बना, मान लीजिए आपने मुझे कोई फाइल दिया कि सर इस फाइल को आप ऑटोमेट कर, अब इस फाइल पे क्या यूज करते हैं, क्या कंडीशन है, किस तरह की रिपोर्ट, किस तरह की डेटा, आपको पता है ना, आप मुझे बताइएगा। अब बताइएगा तो क्या लग रहा है कि एक बड़ी रिपोर्ट में मान लीजिए कि माने 150 स्टेप है, तो 150 स्टेप मुझे याद रहेगा, उस पर लगने वाला कंडीशन मुझे याद रहेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, फिर आपके साथ बैठ के सारे स्टेप्स को लिखेंगे, मतलब कि सारे एल्गोरिथम को तैयार करेंगे, फिर आपके साथ रिकन्फर्म करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमारा कोड, कोड करने के बाद हमारा नहीं है, उसके बाद बात होगा हमारा टेस्ट। हम जो कोड हमने किया है और हमारा जो एल्गोरिथम है उस दोनों के बीच में हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, एरर हुआ तो ये हमारा रीकोड कहलाएगा, रीकोड होगा। ठीक है, ठीक है, और रीकोड, रीकोड के बाद वापस रीटेस्ट। रीकोड रीटेस्ट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे अप्लाई। तो ये रहा प्रोग्रामिंग मेथड का आपका 5 स्टेज, एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोड, टेस्ट एंड अप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एनालिसिस आपका पार्ट है, कोडिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोडिंग करेंगे तो टेस्ट ऑब्वियसली बात है, तो कुछ सीखने वाली चीज है नहीं, इसमें एल्गोरिथम एक आपका पार्ट और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज को जान लीजिए,
क्योंकि ऐसे मैंने बताया कि एक बार में आपका बिहेवियर एक बार में एक प्रोग्राम को ही फॉलो करता है। ठीक है सर, मैंने बोला आपको स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। और पता चला कि आपको कॉपी करना है, तो आपने कॉपी का कोड पहले डाल दिया, सिलेक्शन कोड नीचे डाल दिया, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना सर? हाँ सर, क्योंकि पहले सिलेक्शन कॉपी होगा, सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे एल्गोरिथम का अच्छा खासा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एल्गोरिथम जो है और उसके भी आप कोडिंग का एग्जांपल आपको देते हैं। मुझे जो है कोडिंग क्या क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, मुझे यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, और मुझे यहाँ पे मार्क्स लिखना है, और मुझे यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करना है, मुझे नीचे तक बॉर्डर देना है। ठीक है सर, मुझे यहाँ टोटल लिखना है, ठीक है? ठीक है सर, और मुझे टोटल के बाद यहाँ मार्क्स में सम अप्लाई करना। ठीक है सर, अब मुझे इसका एल्गोरिथम निकालना है। यस सर। तो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहले स्टार्ट मतलब कि माइक्रो क्रिएशन, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट। यस सर, ए टू सी टेन नहीं, सिलेक्ट ए वन। ओके, वन लिखेंगे और इसमें एंटर करेंगे ना हम? यस सर, एंटर नहीं, फिर ऐसे है सिलेक्ट बी वन, बी वन एंटर रोल नंबर, रोल नंबर, फिर यहाँ पे सी वन सिलेक्ट सी वन मार्क्स एंटर सिलेक्ट ए वन से सी टेन ओके अप्लाई बॉर्डर। ठीक है सर, सिलेक्ट टेन एंटर टोटल। सेलेक्ट टेन अप्लाई सब। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मेरा एल्गोरिथम तैयार है। अब इस एल्गोरिथम को रेफरेंस में लेते हुए मुझे कोडिंग करना है। ठीक है सर, तो इसके लिए हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं।
तो हम देखिए कोडिंग, आप दूसरी चीज आती है कि अब कोडिंग हम करेंगे का, तो यहाँ आपने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, अल्ट एफ 11 पे भी क्लिक किया, आपके सामने वीवीई विजुअल बेसिक एडिटर खुल के आ गया। ठीक है, तो कोड यहाँ ये जो है अलग से, पहले भी चीज जान लीजिए कि इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पता है सर, हाँ इनबिल्ट है सर ये फीचर। इनबिल्ट है फिर। ठीक है, यस पहली चीज। दूसरी, अब कोडिंग करने के लिए हम सीट वन पे भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ भी हम कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कोडिंग कर ओके सकते सर, हैं, बग में क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम की कोडिंग इन पे नहीं करते। इसके दो रीजन, पहला रीजन कि अगर वन पे डबल क्लिक करके कोडिंग किया तो क्या होगा कि जो भी कोडिंग है वो सीट वन के में ही रहेगा। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, कि जो भी आपकी जो मतलब कि कोड है वो सीट वन की प्रॉपर्टी में सेव होगा। कल के डेट में अगर सीट वन मतलब कि रीड होता है तो सारे कोड्स को यस सर, डिलीट। ओके ठीक है, ठीक है, हम बोलेंगे सर हम वर्कबुक में कर लें, फिर दिस वर्कबुक में, तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप सीट वन या वर्कबुक में करते हैं तो किसी और सीट का रेफरेंस अगर लेते हैं तो वो रेफरेंस को वर्क नहीं करता है, ओके इसलिए ये भी हम नहीं कर सकते। तो हम कहाँ करेंगे कोडिंग, हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट में आएंगे और हम यस सर, टूल्स में जाएंगे, मॉड्यूल हाँ इंसर्ट के मॉड्यूल में हम जाएंगे। ठीक है, और सर यहाँ पे दो है सर, एक तो सर क्लास है मॉड्यूल और सर एक ही है। क्लास मॉड्यूल अलग चीज है, आप मॉड्यूल को पहले पढ़िए। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल का क्या इस्तेमाल, मॉड्यूल मॉड्यूल के अंदर करते हैं। तो मॉड्यूल के लिए दो बेनिफिट है, पहला है कि आपकी जो भी कोड आपके फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होगा, किसी भी सीट से रेफरेंस लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज है कि आप इसके कोड को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको थर्ड पर्सन ने बोला कि यार तुमने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला का कोड दे, तो अब आप उसको कोड कॉपी करके पेस्ट करके भेजेंगे तो बोलेगा यार मैं कैसी हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट मॉड्यूल भेज दोगे, आप बोलोगे भाई फाइल में जाके मॉड्यूल को इम्पोर्ट करो, समझे? ओके क्यों ठीक ऐसे, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो कॉपी पेस्ट जो नोटपैड में या फिर वर्ड में होते हैं ना, यस सर, एक्सेल पे आते हैं तो वो चीजें रू हो जाती है तो वहां पे एरर आ जाता है सर। ठीक है, कोड को तो हम कॉपी करके भेज सकते हैं ना, कॉपी करके मेल वाली में पेस्ट कर दिया या कॉपी करके हम नोटपैड में या और वर्ड में पेस्ट करके भेज देंगे, यस सर, या पूरी फाइल भेज देंगे, तो उसमें दो दिक्कत है, आप पूरी फाइल भेजते हैं तो आपको फाइल के अंदर जो डेटा है या और भी माइक्रोज है वो भी चला जाएगा जो कि आप देना नहीं चाहते। दूसरी चीज उसमें है, अगर मान लीजिए कि अगर मतलब कि कोड को कॉपी करके पेस्ट करके भेजते हैं, कॉपी करके मेल वडी पे या फिर वर्ड में नोटपैड में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिक्कत होती है, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं वीवीए कोड करेक्टर होते हैं जो कि जब कॉपी पेस्ट होते हैं तो रिमूव हो जाते हैं, तो वहां पर जब एक वीवीए के मॉड्यूल में पेस्ट करेगा तो उसको वहां पे एरर दिखेगा। ओके तो उस इसलिए हमको कॉपी माने डायरेक्ट कोड अगर किसी को भेजना है तो हम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनको भेज देते हैं मेल पे, कि वो वहां मॉड्यूल को अपने वीवीए में इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके तो इसलिए हम मॉड्यूल कोडिंग जो अपने मॉड्यूल में करते हैं, मॉड्यूल में क्यों कोडिंग करते हैं, पहली चीज आपका डेटा फाइल के प्रॉपर्टी के साथ सेव होता है, जहां जहां फाइल डेवलपी आपका मॉड्यूल भी डेवलप करेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने आपका जो ये है मतलब कोड है
वो किसी और सीट से भी रेफरेंस आसानी से ले सकता है और वो सारे से इंपोर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ द माइक्रो। तो देखिए सब या आप पब्लिक सब से आप माइक्रो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर माइक्रो का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो भी कोडिंग करना है सब और एल सब बीच में करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर जब माइक्रो रन करेंगे तो आपसे एक सब्जेक्ट को रन करेंगे, मतलब एक माइक्रो को रन करेंगे, राइट सर? ठीक है। इसलिए हम जो कोडिंग करेंगे कोडिंग एक सब्जेक्ट के अंदर। अब बात करते हैं माइक्रो का नाम। तो माइक्रो का नाम अगर आप लेते, जैसे मैं लिख दिया टेस्ट, अब इसमें बीच स्पेस देखिए टूडे नहीं लिखे, गलत हो जाएगा, मतलब कि नाम के बीच में ना स्पेस चलेगा ना डॉट ना कॉमा ना डैश, किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर आप अपने माइक्रो में नहीं डाल सकते। अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, अंडरस्कोर के स्पेशल कैरेक्टर नहीं समझता है। ठीक है ठीक है। उसके बाद आप जो है थ्री डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते, थ्री कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, जैसे राज वन, ये क्यों नहीं कर सकते सर? ये वो है सर, रेंज है सर ये एक। हाँ, R1 जो है, R1 जो है आपका रेफरेंस है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए ना पता चल जाएगा राज वन आपका अपने रेफरेंस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यस सर, इसलिए नहीं कर सकते। तो माइक्रो डिक्लेरेशन समझ में आ गया? ठीक है सर। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे तो सिलेक्ट A1 यहाँ पे लिखेंगे रेंज, और रेंज इससे ही पता चलेगा एल्गोरिथम से कि आपको कौन सा कैरेक्टर यूज, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखिए बेसिकली एक्सेल में चार ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्क एप्लीकेशन, वर्कबुक शीट एंड रेंज। जैसे कि आपके एक्सेल में नाउन होता है, इसमें इंग्लिश में नाउन होता है ना, नॉन प्रोनाउन, आपका मोस्टली सेंटेंस नॉन प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, हां जी सर, होता है ना सर? उसी तरीके से बीवीए में भी आपका ऑब्जेक्ट एंड मेंबर होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब किस पे करना है और किस पे करना है, और मेंबर मतलब क्या करना है, जैसे कि रेंज होने वाला रेंज, रेंज पे सिलेक्ट करना है। तो ब्रैकेट में क्या डालता है, ब्रैकेट में डालता है उसकी डिटेल्स, रेंज मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करना है तो A1 होगा। तो सर ये कैसे, हेलो सर, ये कैसे करेंगे पता कि ये ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा और ये ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के बाहर आएगा? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ऑब्जेक्ट आपने लिखा ना सर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ओके, हमने रेंज हमारा ऑब्जेक्ट है और रेंज में कौन सा था, A1 ब्रैकेट में आएगा। अब फाइल आपका ऑब्जेक्ट है तो आपने लिखा वर्कबुक्स, अब कौन सी फाइल है तो उसको आप लिखिए बुक वन। ठीक है, ठीक है। और क्या करना है तो एक्टिवेट करना है। ऐसे आपका शीट्स है, शीट्स कौन सा शीट्स, तो शीट वन, तो ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्या करना है तो हमें नहीं ये करना है सिलेक्ट एक्टिवेट या सिलेक्ट करना, एक्टिवेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिटेल्स जो है हमेशा इन इसमें आएगा और इन्वर्टेड कॉमा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये नाम है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो कोड वीवीए कोड नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम है, उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना है। ठीक है, समझ में? ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं लिखा रेंज A1.select और मुझे जो सिलेक्टेड है उसपे वैल्यू डालनी है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन या एक्टिव सेल कर दीजिए। रेंज का दूसरा पर्यायवाची एक्टिव होता है, एक्टिव सेल होता है मतलब कि एक्टिव सेल मतलब जो सिलेक्ट है,
ठीक है इसमें दो चीजें, एक सिलेक्शन है। सिलेक्शन में क्या होता है कि कई सारे वैल्यू सिलेक्ट हो सकते हैं, एक्टिव सेल में सिर्फ एक वैल्यू। ठीक सर, अब इसी चीज को हम कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं। अब A1 के जगह पे हमारा हो जाएगा B1 और नेम के जगह पे हो जाएगा हमारा रॉ। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका C1 और यहाँ हो जाएगा आपका मार्क्स। हेलो, हाँ जी सर। लोग पे स्टेशन में बैठे हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो स्टेशन पास में है सर। अच्छा, तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे अप्लाई आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट A1 से A10। तो यहाँ पे रेंज जो सिलेक्शन आपका नॉर्मल होता है वही हम यहाँ पे कर देते हैं। एक्सेल नॉर्मल एड्रेस जो डालते हैं वो डाल दिया। अब बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा गलत हो गया सर, वो गलत हो गया सर, शायद वो सीट ना आएगा सर, A1 to C10 रेंज। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन, अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसे आप देख रहे होंगे कि डॉट लगाते ही आपके यहाँ पे दिख रहा था, दिखा था सर ना? जी सर, जी सर, अभी नहीं दिख, मतलब कि सिलेक्ट लिखे इसमें सिलेक्शन में नहीं दिखा। तो कुछ जी ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसपे उसका मतलब कि सजेशन नहीं आता, ऑटोजेशन जो है वो नहीं आता है। जैसे ओके सेल हो गया, एक्टिव सेल हो गया, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो सिलेक्शन डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू वन। अब देखिए एक चीज और है, जब भी आप कोड करेंगे खाए तो कैपिटल में करेंगे या फिर स्मॉल में करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आपका जो यहाँ मतलब कि जो लिखेंगे तो आपका जो टाइटल केस में हो जाएगा, मतलब हर कोड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है जिस सर, कोड का पहला लेटर बड़ा नहीं हुआ मतलब वो कोड एग्जिस्ट नहीं करता या फिर आपने गलत कोड लिखा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है सर, ये क्या सर, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर लाइन इक्वल टू वन। देखिए क्या है कि ये लिस्ट में है, आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जो बॉर्डर है बॉर्डर में कौन सा है। तो बॉर्डर में लाइन स्टाइल वन मतलब एक्सेल कंटिन्यूअस मतलब कि आपके ऑल बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे मैं सर वन एक्सेल कंटिन्यूअस भी लिख सकता हूँ या फिर मैंने उसका सीक्वेंस नंबर वन याद कर रखा है वो डाल दिया। और ये सर स्क्वेयर नंबर अगर देखने हो तो कहाँ से चेक करेंगे बता देंगे ये आपको, स्क्वेयर क्योंकि अभी नंबर? मैं आपको कोड नहीं समझा रहा, आपको बता रहा अभी मैं आप बेनिफिट ऑफ द एल्गोरिथम बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, एल्गोरिथम आपने लिख लिया, एल्गोरिथम को हिसाब से कोड कैसे कर रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहुंचे सिलेक्ट A10, अब आता है टोटल एंट्री करना, हमने यहाँ पे टोटल एंट्री कर दिया। उसके बाद आता है C10, और यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है सम, तो यहाँ पे दिया सम। ठीक है, हमारा मैक्रो परफेक्टली रन हो गया, वर्क कर गया। अब मैं यहां से अगर मैक्रो को रन करूं तो मेरा और राजवन हमने नाम दिया हुआ है, लेकिन राजवन देने से मैक्रो रन ही नहीं हुआ। जब वापस इस राजवन को राजवन के बीच में अंडरस्कोर डाल देता हूं, अब मैं ये रन यहां से भी कर सकता हूँ। ठीक है,
ठीक इसको क्लिक किया, ठीक है। हेलो हाँ सर, मुझे सर ये जो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये सम, और ये सम की जो आपने रेंज दी है, तो ये जो फॉर्मूला है ये काम यहाँ पे करेगा सर? ये हाँ काम कर रहा है, देखिए लगा नहीं रोड। ओके ठीक है। जो आप मैनुअली टाइप करते हो उसी इसमें टाइप कर दीजिए। ठीक है तो एल्गोरिथम का बेनिफिट समझ में आया आपको? हाँ सर। अब मान लीजिए मुझे याद नहीं रहा था, पहली बार करते, छोटा है तो छोटा है इसलिए चलो यार आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी में अगर 150 माइक्रो लाइन होता तो हो सकता है एक दो लाइन आप भूल जाए जी सर क्या, या एक दो लाइन का जी सर कंटिन्यूस बिगड़ जाए। तो आपको पता है कब चलेगा? जब आप देखिए, अगर आप एल्गोरिथम तैयार नहीं करते हैं तो आपका रीटेस्ट में, टी टेस्ट और रिकोडिंग पे ज्यादा ज्यादा आपका दिक्कत होता है। जी बहुत सारे लोग एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करते हैं, खासकर मैं भी बहुत सारे लोग नहीं करता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें रीटेस्ट और रिकोड पे ज्यादा टाइम लगा। ठीक है तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एल्गोरिथम तैयार करेंगे तो आपको रीटेस्ट रिकोड कम करना पड़ेगा। और रीटेस्ट रिकॉर्ड में और भी होता है, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जो है जो अभी तो उसके अकॉर्डिंग डेटा है लेकिन इन फ्यूचर में डेटा चेंज होगा तो दिक्कत होगी, तो वो पता कब चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा, तो फिर आपको फ्यूचर में उसको एडिट करना पड़ेगा। अभी तो आप ठीक है सर। कोडिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन 6 महीने बाद या साल भर बाद अगर इस कोड को चेंज करना हुआ तो पूरे कोड को पहले पढ़ना पड़ेगा। जी सर इसलिए हम सजेशन देते हैं कि आप एल्गोरिथम को लेकर चले। ठीक अब है। चलिए टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो मतलब कि हमारे पास, हमारे सिस्टम में दो तरह के माइक्रो होता है, ठीक है या फिर सर एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद करेंगे टाइप ऑफ माइक्रो। ठीक है सर। तो आप एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस कीजिए, आपने ऑफिस की रिपोर्ट पूरा की एल्गोरिथम बनाया, और जो मैंने बोला था ना सर 10 से 15 फीचर्स का कोड डेली एनालाइज करना है आपको, ठीक है सर। भी मत छोड़िएगा सर। सर एक्चुअली एक हमारे ऑफिस में ये तो जितनी प्रैक्टिस होगी तो घर पर ही होगी सर, क्योंकि हमारे ऑफिस में वो लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं एमएस ऑफिस की जगह, तो उसमें वहां पे सर भी है नहीं सर। हाँ सर दिक्कत ये है। मैंने क्या बोला आपको कि सर टाइम मिलता नहीं सर, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ हाँ भाई सर, तो मैं घर पे शाम को करता हूँ सर इसको। हाँ तो आप जी ये जी बोल रहा हो कि क्लास भले ही छूट जाए लेकिन क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। ओके सर अगर आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, बोल दीजिए मैसेज सर प्रैक्टिस करूंगा आज आने दीजिए क्लास, क्योंकि आपकी क्लास की कोई ओके फाउंडेशन नहीं, बट प्रैक्टिस की फाउंडेशन है कि अगर आपने आज की क्लास की प्रैक्टिस नहीं की तो कल जो है 2 दिन की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जरूर होता है। आपको 1 दिन की प्रैक्टिस की टाइम नहीं मिल पा रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस कैसे हो पाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को इग्नोर करना पड़ेगा। यस सर समझ गए ना बात को आप, इसे बोल रहा हूँ। यस सर आज मैंने आपको एकदम पढ़ाया, अगर आपने शाम को अगर प्रैक्टिस कर लिया तो ठीक है, अगर माना शाम को प्रैक्टिस नहीं किया कल फिर आपने क्लास ले लिया तो कल की टॉपिक हो जाएगी यस आपको टाइप ऑफ माइक्रो और कोड कंसेप्ट। यस सर ऐसी चैन बढ़ता जाएगा ना, जी सर इसलिए प्रैक्टिस आपका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ओके सर ठीक है सर। जैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब जैसे सिखाते हैं कि जैसे हमारा जो स्टार्टअप है जैसे बेसिक है बिल्कुल, जैसे कि पहले हम वर्ब को ऐड करते हैं, जैसे सर मैंने आपको पहले के जो कुछ बेसिक ही वीडियोज है। बेसिक तो सिखा रहे हैं, अभी थ्योरिकल पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, कोडिंग करने से ओके सर पहले क्या चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए ना, हाँ सर। उसको सिखाया मैंने आपको। तो सर इसका भी कुछ बेसिक बताओगे, जैसे कि हम एक कैसे एक वर्ब नई वर्ब को ऐड करते हैं, उसको सेव करते आओ हैं किस फाइल में, कल उसको परसों में क्या होगी सर, सर। कल परसों में होगी चाहिए। ठीक ओके सर है ओके बाय। ठीक है सर। ओके सर बाय। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। जी जरूर जरूर।